भाइयों बहनों, हमें मोबाइल फोन अच्छा लगता है, हमें व्हाट्सएप भेजना अच्छा लगता है, हमें फेसबुक ट्विटर पर रहना अच्छा लगता है, लेकिन देश की इकोनॉमी में भी इसके कारण हम मदद कर सकते हैं। जानकारियों के लिए टेक्नोलॉजी का जितना उपयोग है, आधुनिक भारत के निर्माण के लिए भी टेक्नोलॉजी का उतना ही उपयोग है। और सामान्य नागरिक, हम डिजिटल पेमेंट के लिए क्यों न चले। आज हमें गर्व है कि हमारा रुपे कार्ड सिंगापुर में चल रहा है, हमारा रुपे कार्ड आने वाले दिनों में और देशों में भी चलने वाला है, हमारी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बड़ा मजबूती के साथ उभर रहा है। लेकिन हमारे गांव में छोटी छोटी दुकानों में भी, हमारे शहर के छोटे छोटे मॉल में भी हम क्यों न डिजिटल पेमेंट की ओर बल दें। आइए ईमानदारी के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए और देश की इकोनॉमी को ताकत देने के लिए हम ये डिजिटल पेमेंट, और मैं तो व्यापारियों को कहूंगा, आप बोर्ड लगाते हैं, ज्यादातर गांव में जाओगे व्यापारियों के बोर्ड होते हैं, आज नकद कल उधार ऐसा बोर्ड लगा रहता है, आज नकद कल उधार। मैं चाहता हूं कि अब तो हमने बोर्ड लगा चाहना, ये डिजिटल पेमेंट को हा, नकद को ना, एक माहौल बनाना चाहिए। मैं बैंकिंग क्षेत्र को आग्रह करता हूं, मैं व्यापार जगत के लोगों को आग्रह करता हूं कि आइए हम इन चीजों को बल दें।